Shapoorji Palonji Engineering and Construction 150 सालों से निर्माण की एक जानी मानी कंपनी है। अपने कार्य के इस विरासत को बनाए रखने के लिए Shapoorji Palonji ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस के द्वारा कामगारों को काम करने के सटीक एवं सुरक्षित निर्माण के बारे में सूचित करता है, ताकि संपूर्ण सुरक्षा के साथ काम हो और अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं सीमेंट मसाले से फ्लोर टाइलिंग करने का वीडियो और सीखते हैं फ्लोर टाइलिंग करने का उचित कौशल। अलग अलग प्रकार के टाइल्स का उपयोग करके जमीनी सतह को फिनिशिंग देने की प्रक्रिया को फ्लोर टाइलिंग कहा जाता है। टाइल्स जमीन की सुंदरता तो बढ़ाती ही है, बल्कि उसे मजबूत और टिकाऊ भी बनाती है। टाइल्स कई प्रकार की होती है, जैसे सेरामिक टाइल्स, चीनी मिट्टी की बनी हुई टाइल्स और पत्थर से बनी हुई टाइल्स। इनका उपयोग हम घरों में, दफ्तरों में और व्यावसायिक जगहों पर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि सीमेंट के मसाले का उपयोग करके फ्लोर टाइलिंग करने की सही प्रक्रियाएं क्या होती हैं, और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि इस कार्य के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए जिससे कि इसकी गुणवत्ता पर कोई खराब असर पड़े। दोस्तों, आप सभी का आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो या आपके काम करने का तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले हादसों में ये ज़रूरी नहीं है कि गलती आप ही की हो। इसलिए साइट पर अपना पीपी जरूर पहने हमेशा। क्वालिटी टॉक के माध्यम से कामगारों को निर्माण के अलग अलग कार्य को उचित गुणवत्ता के साथ करने की प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि कोई भी विशेष कार्य करने के दौरान कामगारों को किस विषयों पर ध्यान देना चाहिए ताकि कार्य में गलतियां कम हों। तो चलिए पहले देखते हैं कि टाइलिंग से जुड़ी मूल सामग्री जैसे टाइल्स, सीमेंट और बालू को कैसे रखा जाता है और उनका स्थानांतर कैसे किया जाता है। टाइल्स को हमेशा जमीन से ऊंची मचान बनाकर रखें। टाइल्स रखते समय उसे अलग अलग स्तरों पर रखें, उसे इकट्ठा ढेर न लगाएं। टाइल्स को सावधानी से लोडिंग, अनलोडिंग या अन्य स्थान पर ले जाएं। अलग अलग प्रकार के टाइल्स को अलग से रखें। टाइल को कभी भी जमीन पर खुले या अरक्षित जगह पर ना रखें। हर सीमेंट की बैग 50 किलो वजन की होती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित तरीके से उठाकर दूसरी जगह ले जाएं। सीमेंट बैग्स के ढेर हमेशा एक ऊंची प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाएं, जो जमीन से 150 या 200 मिलीमीटर और दीवार से 600 मिलीमीटर दूर हों। सीमेंट बैग्स के ढेर कभी भी टेढ़ी या अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए। सीमेंट को हमेशा सूखी स्थानों में अच्छी तरह से ढक कर रखें और ध्यान दें कि वहां पर पानी आने की संभावना ना हो। सीमेंट बैग्स को बिना ढके खुले स्थानों पर या जमीन के ऊपर नहीं रखने चाहिए। रेत या बालू को हमेशा छान कर उपयोग करें। समय समय पर पत्थरों को छन्नी से निकाल दें ताकि काम करने में सुविधा हो। छान कर रखे हुए रेत को हमेशा बोरियों में भरें। उपयोग होने वाले सामग्रियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा ठेला गाड़ियों का उपयोग करें। निर्माण कार्यस्थल पर हमेशा सचेत रहे, अन्यथा खतरा होने की संभावना है। टाइलिंग कार्य में हम दिखाए गए औजारों का उपयोग करेंगे। फर्श पर टाइलिंग कार्य शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि दीवार, छत आदि के अंदरूनी प्लास्टरिंग और फर्श पर होने वाली बिजली और प्लंबिंग आदि के सारे कार्य खत्म हो गए हो। पहले लगे हुए ढीले सीमेंट मसाला आदि को फर्श सतह से हटा दें। जरूरत पड़ने पर फर्श की कंक्रीट सतह पर हैकिंग कर ले और उसे रफ बना ले। सतह पर दरारें या छेद मिलने से
उसे सही तरीके से ठीक कर लें। वायर ब्रश या झाड़ू से कंक्रीट सतह की धूल, मिट्टी आदि को साफ कर लें। फर्श के आसपास की दीवार में स्कर्टिंग होने वाली जगह पर प्लास्टर न किया गया हो, इस बात को जांच लें। टाइल किए गए फर्श के समान सतह और जरूरी मोटाई पाने के लिए लेवल पैड की स्थापना की जाती है। यहां दीवार पर फर्श से 1 मीटर ऊंचाई की लेवल दी गई है। कार्य की सुविधा के लिए हमें 1 मीटर से 400 मिलीमीटर माप कर फर्श लेवल से 600 मिलीमीटर ऊपर की मार्किंग लेनी होगी। अब 600 मिलीमीटर मार्किंग को घर के अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करें। हर मार्किंग को लाइन दोरी से जोड़कर लेवल की लाइन बना लें। क्योंकि मार्किंग फर्श के अंतिम लेवल के अनुसार दी गई है, इसलिए मार्किंग से 600 मिलीमीटर और एक टाइल की मोटाई को जोड़कर मापने से लेवल पैड की ऊपरी सतह के लेवल मिलेंगे। एक लेवल पैड से दूसरे लेवल पैड की दूरी हमेशा 1 फंटी के अंदर होनी चाहिए। दिखाए गए तरीके से स्पिरिट लेवल की उपयोग कर फर्श के दूसरे जगह पर लेवल पैड की स्थापना करें। सतह को 24 घंटे पहले ही पानी से पूरी तरह से गीला कर दें, ताकि टाइलिंग के मसाले से पानी ना सोख ले। सीमेंट मसाले की स्तर बिछाने से पहले सूखे हुए स्थानों को वापस पानी से गीला कर लें। सतह पर ज्यादा पानी होने से उसे स्पॉन्ज से सोख लें। सीमेंट मसाले को हाथ अथवा मशीन दोनों तरीकों से मिलाया जा सकता है, क्योंकि मशीन से मिलाने पर मसाला जल्दी और अच्छी बनती है। इसलिए वीडियो पर हम मशीन का उपयोग कर सीमेंट मसाला बनाएंगे। मिश्रण के शुरू से ही मशीन को चालू रखें। बंद अवस्था में बालू या सीमेंट ना डालें। मशीन को उसके क्षमता से ज्यादा ना भरें, इससे मशीन खराब हो सकती है। मसाला बनाने के लिए सीमेंट और बालू का आयतन को हमेशा मापनी बक्श या फार्मा से माप लें। एक फार्मा का वॉल्यूम एक सीमेंट बैग के समान यानी 1.25 क्यूबिक फीट या 35 लीटर होती है। क्योंकि हम हाफ बैग मिक्सर मशीन से 1 और 6 की मात्रा में मसाला बना रहे हैं, इसलिए आधा बैग सीमेंट के साथ 3 फार्मा बालू मिलाएंगे। तो मिक्सिंग के शुरू में मशीन में पानी डालें, ताकि उसकी अंदरूनी सतह गीली हो जाए। अभी दिखाए गए तरीके से निर्दिष्ट फार्मा से बालू को माप लें। बालू फार्मा के बिल्कुल ऊपर तक समान होकर भरना चाहिए। इस दौरान अनावश्यक पदार्थों को निकाल दें, ताकि वो मसाले में ना मिल पाए। अभी बालू और उसके बाद सीमेंट को मशीन में डालें, जहां पहले से ही पानी मौजूद है। ध्यान रखें, इस दौरान बालू या सीमेंट मशीन के बाहर नहीं गिरना चाहिए। अभी मसाले की अपेक्षित घनापन या कंसिस्टेंसी के अनुसार उनमें पानी मिलाएं। ध्यान रखें, अतिरिक्त पानी मसाले की मजबूती के लिए हानिकारक है। डाले हुए सामग्रियों को कम से कम 5 मिनट तक मिलने दें। कार्य के दौरान गिरे हुए सामग्रियों को वापस बोरी में भर लें। मसाले निकालने के लिए हमेशा धोए हुए साफ ट्रे का उपयोग करें।
इसमें गंदे ट्रे का उपयोग ना करें। एक बार में उतना ही मसाला बनाएं, जो कि 30 से 40 मिनट में उपयोग हो सके। मसाला निकालने के बाद मशीन को साफ करके ही कार्य का अंत करें। तैयार मसाले को साफ किए गए ठेला गाड़ी से दूसरे स्थान पर ले जाएं। गीले कंक्रीट सतह पे अच्छी तरह से सीमेंट कोला छिड़का दें। तैयार सतह पर अब 1/6 के मात्रा में सीमेंट मसाला डालें और लेवल पैड के बीच फंटी से लेवल करना शुरू करें। बिछाए हुए मसाले की मोटाई आमतौर पर 10 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक ही होनी चाहिए। यहाँ पर हम मसाले की मोटाई 20 मिलीमीटर रखेंगे। ध्यान रखें, बिछाए गए सीमेंट मसाले को दबा के अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट या ठोस कर लें। सीमेंट मसाला उतने स्थान पर ही बिछाएं जिसमें मसाला सूखने के पहले टाइल बिछाया जा सके। एक बार में पूरी सतह पर सीमेंट मसाला ना बिछाएं, इससे मसाला सूख जाएगा। दीवार में उपलब्ध लेवल से मसाला स्तर की लेवल जांच लें। मसाला लेवल होने के बाद अलग अलग दिशाओं में स्पिरिट लेवल से उसकी संरेखण जांच लें। टाइल हमेशा उपलब्ध निर्दिष्ट नक्शे के अनुसार लगाया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम दिखाए गए नक्शे के अनुसार टाइल लगाएंगे। इस कार्य में हमें दीवार के समानांतर एक लाइन चाहिए होती है, जो लगाए गए टाइल्स के किनारे सूचित करते हैं। पहले सर्वेयर द्वारा दिए गए लाइन पर 300 मिलीमीटर की माप लें और धागा से मार्क करें। ध्यान दें, हमें इस लाइन के समकोण में दूसरे लाइन लेने हैं, जो कि दीवार के साथ समानांतर होगा। दीवार के सामने ली गई लाइन दूरी में 400 मिलीमीटर की माप लें और मार्क करें। अभी दोनों मार्किंग के बीच टेप से तिरछा मापी लें तो 500 मिलीमीटर मिलनी चाहिए। दीवार के सामने वाले लाइन को हम एक टाइल के समान यहाँ 600 मिलीमीटर पर लिए हैं, ताकि लाइन के साथ किनारे मिलाकर टाइल का शुरुआती लाइन लगाया जा सके। कार्य में उपयोग होने वाले टाइल्स के बैच नंबर और टाइल की रंग हमेशा जांच लें। एक ही बैच के अलग अलग बॉक्स की टाइल्स के रंग में अंतर हो सकते हैं। टाइल उपयोग से पहले ध्यान दें कि टाइल के कोने टूटे हुए ना हो। टाइल के उपयोग करने से पहले टाइल को जांच ले, ताकि उसमें कोई दरार या टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं। ऐसे पाए जाने पर टाइल को कार्य में उपयोग ना करें। टाइल्स की साइज के जांच करने के लिए उसे दिखाए गए तरीके से एक समतल स्थान पर सजाएं। अभी सजावट के अलग अलग दिशाओं को टेप से मापें तो एक दिशा में दोनों तरफ की माप एक ही होनी चाहिए। टाइल के ऊपरी सतह के समतलता जांचने के लिए ऊपरी सतह पर स्पिरिट लेवल रखें। अब एक कागज के सहारे स्पिरिट लेवल और टाइल की जोड़ के अंतर को जांच लें। टाइल सतह अगर समतल है तो कोई अंतर नहीं मिलनी चाहिए।
कार्यस्थल में उपलब्ध नक्शे के अनुसार कट टाइल्स के साइज और लगाने के जगह निर्धारित होते हैं। टाइल काटने से पहले जरूरी माप के अनुसार उनमें मार्किंग कर लें। इसके बाद उचित औजारों का उपयोग करके उसे सटीक साइज में काट लें। वैद्युतिक आरी या पावर सॉ उपयोग करते समय जरूरी पीपीई अवश्य पहनें और विशेष सावधानी बरतें। टाइल में छेद करने की जरूरत हो तो उचित गोलाई की ड्रिल बिट का उपयोग करें। सुरक्षा उपकरणों को बिना पहने कटिंग के औजारों को ना चलाएं। इस वीडियो में हम 600 बाय 600 मिलीमीटर साइज की सिरेमिक विट्रिफाइड टाइल्स बिछा के फर्श की निर्माण करेंगे। टाइल लगाने के पहले बिछाई गई सीमेंट मसाले की स्तर पर कन्नी से दिखाए गए तरीके से ग्रूव या खांचा बनाएं। खांचा दिखाए गए तरीके से दोनों दिशा बराबर बनना चाहिए। अभी तैयार किए गए सतह पर सीमेंट का गाढ़ा गोला डाल दें। एक बार में 20 टाइल्स लगने वाले स्थान से ज्यादा जगह पर सीमेंट गोला ना डालें। विट्रिफाइड टाइल हो तो उसकी पिछली तरफ के सतह को गीले स्पॉन्ज से भिगो लें। दूसरे टाइल्स को कम से कम आधा घंटा साफ पानी में भिगोकर रखें और पूरा पानी झड़ने के बाद ही उपयोग करें। ध्यान दें कि टाइल्स के पीछे दी गई एरो साइन के अनुसार टाइल्स बिछाया जाता है। बिछाई गई हर टाइल की एरो कोई एक दिशा बराबर रहना चाहिए। इस वीडियो में टाइल्स की एरो को दरवाजे के तरफ रख कर टाइल्स बिछाई गई है। ध्यान दें, पहले टाइल को हमेशा निर्दिष्ट नक्शे के अनुसार ही लगाएं। इस वीडियो में हम दरवाजे के सामने से टाइल लगाना शुरू कर रहे हैं और टाइल्स के किनारे को लेआउट के लाइन के बराबर रखा है। अब रबर की हथौड़ी से धीरे धीरे ठोक कर टाइल्स के नीचे दबी हुई हवा को निकाल दें और उसे पक्की तरह से बिठाएं। इसमें अन्य हथौड़ी का उपयोग ना करें। स्पिरिट लेवल से लगाए गए टाइल की संरेखन जांच लें। पहली टाइल लग जाने के बाद दीवार पर उपलब्ध लेवल से माप कर टाइल का लेवल सुनिश्चित कर लें। पहला लाइन के टाइल लगाते हुए उपलब्ध लाइन और लेवल की खास ध्यान रखें। दूसरे टाइल्स को भी बताए गए तरीके से पहले टाइल के साथ लाइन और लेवल मिलाते हुए बिठाएं। हर बार बिठाए गए टाइल और उसके आसपास के टाइल्स के जॉइंट पर दो स्पेसर डाल दें। स्पेसर अलग अलग साइज के होते हैं। इस वीडियो में हम 3 mm मोटाई की PVC स्पेसर का उपयोग कर रहे हैं। कार्य के दौरान टाइल्स के जॉइंट से बाहर आए सीमेंट गोले को गीले स्पॉन्ज से तभी साफ कर लें, नहीं तो सीमेंट गोला सूख जाने से साफ सफाई मुश्किल होती है। टाइल्स बिठाने के दौरान समय समय पर स्पिरिट लेवल के उपयोग से फर्श सतह की जांच करते रहें। हर 4 टाइल्स बिठाने के बाद एक बार में सारे टाइल्स की ऊपरी सतह की लेवल अवश्य जांच लें। दोस्तों, कार्य के दौरान सीमेंट मसाले की बेडिंग स्तर को अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन या सही टाइल्स की उपयोग ना करने से लगाए हुए टाइल्स के किनारे में अंतर आ सकती है, जिसे लिपेज कहा जाता है। टाइल के जॉइंट बराबर सिक्का या कॉइन घिसने से लिपेज का पता चलता है।
जो कि टाइलिंग कार्य में एक गलती है। टाइल लगाने के साथ साथ जॉइंट से बाहर आए सीमेंट गोला को गीले स्पॉन्ज से साफ कर लें। ध्यान रखें कि इस दौरान सीमेंट गोला ना सूख जाए। सारे टाइल्स लग जाने के बाद उस स्थान को कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इस दौरान ध्यान रखें कि लगाए हुए टाइल्स के ऊपर कोई वजन नहीं आनी चाहिए। फर्श पर लगे टाइल्स को अब साफ करके उस पर प्रोटेक्टिव कवर या रक्षात्मक आवरण बिछा दें। दीवार और फर्श के जॉइंट पर दीवार सतह पर टाइल लगाने को स्कर्टिंग कहते हैं। हम यहाँ दीवार पर 150 मिलीमीटर चौड़ाई की स्कर्टिंग लगाएंगे। स्कर्टिंग लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि फर्श पर लगे टाइल्स कार्य पक्के तौर पर सूख गए हो। टाइल्स को जरूरी माप पर काट लें और लगाने से पहले टाइल के पिछले हिस्से को गीला कर लें। इस दौरान ध्यान दें कि फर्श टाइलिंग के ऊपर रक्षात्मक आवरण बिछाए हुए हो। अब दीवार के स्कर्टिंग लगने वाले सतह को गीला कर लें। 1:4 के मात्रा में गाढ़ा सीमेंट मसाला का उपयोग करके टाइल को अभी स्कर्टिंग पर लगाते रहें। हर टाइल लगाने के बाद ट्राई स्क्वायर से फर्श और स्कर्टिंग के बीच की समकोण जांच लें। साथ में दीवार सतह से और स्कर्टिंग सतह की संरेखन भी जांच लें। लगाए हुए दोनों स्कर्टिंग टाइल के बीच स्पेसर अवश्य डालें। इसमें ध्यान दें कि फर्श और स्कर्टिंग पर लगे टाइल के जॉइंट मिलने चाहिए। अभी दिखाए गए तरीके से स्कर्टिंग टाइल्स को लगाते जाएं। सही औजार के उपयोग से कोनों पर लगने वाले टाइल को सही माप से काट ले और उसके किनारे बना ले। टाइल के जॉइंट भरने में सीमेंट, इपॉक्सी आदि के उपयोग किए जाते हैं। इस वीडियो में हम टाइल के जॉइंट भरने के लिए इपॉक्सी ग्राउट का उपयोग करेंगे। टाइल्स के जॉइंट भरने से पहले दिखाए गए तरीके से टाइल जॉइंट को साफ करें। इससे जॉइंट को ग्राउट से भरने के लिए जरूरी गहराई मिलेगी। सफाई होने के बाद जॉइंट से निकले हुए पदार्थों को अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि वो वापस जॉइंट पर ना गिरे। इस कार्य में वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं। ग्राउटिंग के समय कार्यस्थल में धूप नहीं आना चाहिए। पहले दिखाए गए तरीके से निर्दिष्ट वॉल्यूम या आयतन में ग्राउट तैयार के अलग अलग भाग को मिलाएं। ग्राउट तैयार होने के बाद जल्द ही उसे टाइल के जॉइंट भरने में लगाएं।
तैयार ग्राउट को जॉइंट पर दिखाए गए रबर फ्लोट या रूसा से भरें। जॉइंट भरते समय फ्लोट को जॉइंट के आड़ा फर्श के साथ 45 डिग्री कोण में पकड़कर ग्राउट मसाले को भरें। जॉइंट भरने के बाद फ्लोट को दिखाए गए तरीके से जॉइंट के ऊपर दबा के तिरछा खींचें तो अतिरिक्त मसाला जॉइंट के बाहर आ जाएगा। इस दौरान ध्यान दें कि जॉइंट मसाले से पूरी तरह से भरने चाहिए। अतिरिक्त ग्राउट मसाला को जितना हो सके फ्लोट से ही हटा लें। टाइल सतह पर मसाला लगे नहीं रहना चाहिए। ग्राउटिंग कार्य खत्म हो जाने के 30 से 45 मिनट बाद साफ पानी और स्क्रबर से जॉइंट की सफाई करें। अगले 24 घंटे के अंदर साबुन के पानी से फिर से एक बार टाइल जॉइंट को साफ कर लें और साफ सूखे कपड़े से पोंछ लें। टाइल कार्य खत्म होने के बाद फर्श सतह पर रक्षात्मक आवरण या प्रोटेक्टिव कवर बिछा दें। इस कार्य में केवल निर्दिष्ट प्रकार के आवरण का ही उपयोग करें। ध्यान रखें कवर फर्श के साथ स्कर्टिंग के ऊपर भी लगने चाहिए। कवर लग जाने के बाद टाइल लगे जगह को बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रखें। दोस्तों, कार्यस्थल पर जमा हुए कचरे को सही तरीके से साफ करके उसे निर्धारित स्थान पर फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, आपके कार्य की गुणवत्ता काफी हद तक आपके औजारों पर निर्भर होती है, इसलिए कार्य के अंत में औजारों को अच्छे से साफ करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो के दौरान हमने आपको ये बताया कि फ्लोर टाइलिंग करने की सही प्रक्रियाएं क्या होती है, और इसमें आपको ये भी बताया गया कि इस कार्य के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दिखाए गए सभी प्रक्रियाएं फ्लोर टाइलिंग की क्वालिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी प्रक्रियाओं को आप कार्यस्थल पर सही उपयोग करेंगे। गुणवत्ता अपनाइए, सुरक्षित रहिए।